क्या लकड़ी क्या है ये? नहीं लकड़ी मिक्स रहता है बबूल और सीजन का रहा रहता है, बबूल ही रहता है बबूल। मेरा पीछे देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग कहाँ पे है। एक्चुअली हम लोग है एक दुकान में है, आप लोगों को हम अभी दिखाऊंगी कैसा दुकान है, इसमें क्या क्या सामान है। नमस्कार, मैं पल्लवी और अपना लोग सकते मोर चैनल पुनर्बार स्वागत जानसो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोगों का ब्लॉग। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ दुकान का व्यू, इसमें क्या क्या आइटम है आप लोग देख लीजिए, उसका बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक एक सामान अच्छा से दिखाऊंगी और इसका प्राइस क्या है ये भी पूछ के आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगी। तो चलिए पहले इसका फुल व्यू देख लेते हैं। अभी मैं जिस दुकान में हूँ उस दुकान का नाम है राधिके आर्ट प्लस और ये दुकान है राजस्थान का किशनगढ़ में है। और इस दुकान में बहुत ही सुंदर सा वुडन आइटम रखा है और ये सब वुडन आइटम का ऊपर राजस्थानी पेंटिंग और यहाँ का किशनगढ़ स्कूल का जो पेंटिंग है वो बना के रखा है। सभी आइटम बहुत ही सुंदर है। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पे वुडन का क्या क्या आइटम रखा है। ये देखिए ये फोल्डिंग है, अगर किसी को चाहिए भी तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, ऐसे फोल्डिंग करके आप लोगों का घर तक पहुँचा देगा यहाँ से। ये देखिए ये टेबल एक्चुअली ओरिजिनल ये है, ये टेबल है तो ये फोल्डिंग हो गया तीन पीस में, अभी हम लोग ले रही हूँ ये वाला। हाँ, 2500 रुपये का सेट है। ईसर गनगोर बोलते हैं इनको। 2500 का सेट है। ईसर गनगोर है।
और इस दुकान में आपको जितना भी आइटम दिखाई दे रहा है सभी आइटम का मैन्युफैक्चरर ये लोग खुद है, इन लोगों का अपना मैन्युफैक्चर यूनिट है, इसी दुकान का पीछे ही वो मैन्युफैक्चर यूनिट है और इसी की वजह से इन लोगों का यहाँ पे जो आइटम है सभी सामान का प्राइस बहुत कम हो जाते हैं और बहुत ही मतलब रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा सामान अगर कुछ लेना होगा तो। और इसी दुकान से यही मैन्युफैक्चरर यूनिट से ये लोग सामान को एक्सपोर्ट भी करता है। इस दुकान का मेन खासियत ये है यहाँ पे जितना आइटम दिख रहा है आपको इसका 80% सामान फोल्डिंग कर सकता है, इसी की वजह से कहीं पे भी डिलीवरी करना एक्सपोर्ट करना इन लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। उडेन आइटम के साथ साथ बहुत सारा पेंटिंग भी रखा है, चलिए इस बार हम लोग जाते हैं और पेंटिंग देखते हैं। मतलब किशनगढ़ स्कूल का पेंटिंग है बेसिकली, मतलब किशनगढ़ के जो किंग थे उनके साथ एक दासी आई थी तो वो कृष्ण भगवान की फोटो थी। अच्छा। तो उस उनको और वो बहुत ब्यूटीफुल थी तो उसको पोर्ट्रेट करके जो किशनगढ़ के राजा थे उनने बनवाया था पेंटिंग। अच्छा। तो इनको एक तरीके से राधा माना गया है, मतलब आप बनीखनी के नाम से ज्यादा प्रचलित है तो एक तरीके से राधा का पोर्ट्रेट है। अच्छा। तो ये कृष्ण भक्ति तो ये राधा का पोर्ट्रेट है। तो आप किशनगढ़ स्कूल देखेंगे तो आईज सबसे शार्प होगी किशनगढ़ स्कूल में, नोज और ये चिन और ये होता है ना इसका बिल्कुल होता है ना आप बिल्कुल होता है ना सुंदर आपने होगा। और किशनगढ़ स्कूल की और भी कोई पेंटिंग देखेंगे सबके अंदर आईज वगैरह से लेके मतलब फीचर सारे शार्प होंगे उसके, मतलब ये स्पेशलिटी होती है किशनगढ़ स्कूल। और ये आर्ट भी किशनगढ़ का है। हां ये किशनगढ़ स्कूल की है, किशनगढ़ से ये निकला है। बनीठनी के नाम से फेमस है। हाँ। वैसे राधा होता है ना, राधा का पोर्ट्रेल करवाया है। अच्छा, है और ये राजस्थान का मनालीसा बोलते हैं, इंडिया का मनालीसा। अब हर गवर्नमेंट ऑफिस से लेकर कहीं भी चल जाओ आपको ये पेंटिंग लग रही है। अच्छा, बनीठनी मतलब राजस्थान में ना? हाँ, पूरे देखी तो हूँ राजस्थान में, बहुत जगह देखी हूँ, अपनी पहचानने लगी ना अलग से ही निकल के आएगा। अच्छा, ये सब रियल गोल्ड है? ये गोल्ड लग रहा है, पेंट हो रहा है। ये राजा रवि वर्मा का स्टाइल है। ये राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स होती थी ना ऑयल पेंटिंग्स है, इसमें जैसे कई राजा रवि वर्मा की भी, जैसे वो लग रही थी राजा रवि वर्मा की। ये कितना क्या है ये वाला? ये अलग अलग है, ये वाली जैसे अपने 4,500 की पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है पूरी। ये वाला प्योर गोल्ड का है, ये देखिए इसमें जो देखा है ये सब प्योर गोल्ड है। हम लोग बहुत खरीदारी कर लिया, अभी हम लोग जा रही हूँ घर। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।